मैं नागमणि कुमार सिंह इंजीनियर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रेलवे, मीन्स इंडियन रेलवे। आज हम बात करते हैं इंडियन रेलवे। तो सबसे पहले जो इंडियन रेलवे है, जो भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ऑपरेट होता है और एक पब्लिक फैसिलिटी और मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। और ये जो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडियन रेलवे। और इसका जो रूट है वो 67,368 किलोमीटर है। और इसका जो रूट इलेक्ट्रीफाइड है वो है 57.91% है जो रूट इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब विद्युतीकरण हो चुका है। और उसके बाद जो 33% है जो डबल और मल्टी ट्रैक है, मतलब 33% जो ट्रैक है वो डबल है या मल्टीपल ट्रैक है। ये हो गया रेलवे। उसके बाद हम आते हैं रेलवे ओवरव्यू में। तो इंडियन रेलवे है जो डेली 20,000 से ऊपर पैसेंजर ट्रेन चलती है डेली इंडियन रेलवे। और यहाँ पे जो स्टेशन है वो है 7,349। और जो ट्रेन का नंबरिंग होता है वो 5 डिजिट या 4 डिजिट का नंबरिंग सिस्टम है। और जो रेलवे इंडियन रेलवे का जो ट्रेन स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर से लेके 160 किलोमीटर पर आवर, और कभी कभी पीक आवर्स में 180 किलोमीटर भी हो जाता है। उसके बाद जो फ्रेट ट्रेन है, जैसे जो मालगाड़ी ट्रेन है, उसका जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर एवरेज स्पीड है, मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर आवर्स। और जो पीक है वो 90-95 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और जो जो लोकोमोटिव है, मीन्स अपना इंजन है, वो रेलवे में 11,452 इंजन है। और फ्रेट वैगन, मतलब मालगाड़ी से जो जैसे जो माल ढुलाई के लिए है, वो है 2,77,987। और जो पैसेंजर कोचेज है वो है 70,937। ये हो गया रेलवे का ओवरव्यू हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स रेलवे ऑर्गेनाइज कैसे होता है। तो इसमें जो सबसे ऊपर होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं, और जो 7 मेंबर है वो होता है। उसके नीचे होते हैं 18 जोन है। फिर उसके सारे जो है जनरल मैनेजर्स हैं, वो रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है। और जो जोन्स हैं वो सब डिवाइडेड है 68 ऑपरेटिंग डिवीजन में। और इसको जो हैंडल करता है वो DRM होती है। और जो DRM जो होते हैं वो अलग अलग, जैसे डिविजनल जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग में होते हैं, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन होता है, स्टोर्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, पर्सनल्स होता है, ऑपरेटिंग होता है, कॉमर्शियल होता है, सिक्योरिटी होता है, और सेफ्टी। ये हैं जो सारे जो DRM को रिपोर्ट करते हैं। और इसके बाद इनका बहुत सारा जो प्रोडक्शन यूनिट है, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, और कंट्रोलिंग है जो रेलवे बोर्ड को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है अपना सब्सिडरी, रेलवे के कुछ सब्सिडरी होते हैं, जैसे फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए राइट्स है, इरकॉन है, RVNL है, ये सब नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं रेलवे के। फिर लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट के लिए RLDA, IRSTC ये होता है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए DFCCIL है, पैसेंजर एंड फ्रेट को ऑपरेशंस के लिए KRCL है, CONCOR ये हो गए, IT एंड कम्युनिकेशंस के लिए CRIS, RCL एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म के लिए हो गया IRCT हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जैसे जो रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग है 3 यूनिट में, एक तो हो गया लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया रोलिंग स्टॉक का, और तीसरा हो गया व्हील एंड एक्सेस का। तो लोकोमोटिव है जो बहुत सारे जगह बनते हैं, जैसे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोको, ये सब हो गया। फिर रोलिंग स्टॉक में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री हो गया। उसके बाद व्हील एंड एक्सल्स में रेल फैक्ट्री हो गया बंगलोर में एक, और एक बेला इन छपरा में। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क का। तो रेलवे का जो नेटवर्क है वो तीन तरह का, एक तो ट्रैक्स हो गया, मीन्स उसके रूट, उसको सिविल सब मतलब पथ हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण, और एक हो गया सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, इससे ट्रेनें का स्पीड को हम कैपेबल ये करते हैं, कितना स्पीड चलेगा कितना नहीं चलेगा।
दोस्तों हम बात किए हैं रेलवे का पूरा मतलब क्या है इंडियन रेलवे। तो सबसे पहले तो इंडियन रेलवे चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो बात किए। दूसरा कितना किलोमीटर में फैला हुआ है वो भी किया, उनके कोच कहाँ बनते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कैसा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का, और जो मैंने मतलब जो हमारा ऑडियो है उसके साथ साथ सब पीपीटी मतलब सब इसमें हम पीपीटी भी इंक्लूड किए हैं कि अगर किसी को सुनने में अगर सही ना लगे या फिर उन्हें कुछ डाउट हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। अगर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर किसी तरह की डाउट हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स एवरीवन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फ्रॉम सिग्नल इंजीनियर। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू।